What's up everyone? So it's 29th of October, Thursday, and बाल खुल गए. अभी बज रहे हैं 12. कबीर इज अप फ्रॉम हिज मॉर्निंग नैप एंड शूज डाले हैं इसके मैंने एंड ही इज पूपिंग. आपने इसकी शक्ल देखी? दैट्स हिज पूप फेस. उसमें बैठो अपनी पॉटी में. चलो कम कम सिट हियर. कबीर इज पूपिंग in his poo-poo, in his potty. Are you done? Are you still pooping? Oh, he's still pooping. So I think he's done pooping. Kabir, are you done pooping? Poo-poo ho gayi aapki? Are you done? I think it's done. I'm just gonna clean him up. फिर इसको खाना भी खिलाना है और आज सोच रही हूँ इसको पार्क लेके जाऊँ. सो या आई विल वर्क अकॉर्डिंगली. सो दैट्स हाउ आई एम पॉटी ट्रेनिंग कबीर. जब भी उसके ऐसा पूप वाला फेस बनता है आई गेट टू नो दैट ही वॉन्ट्स टू पूप और मैं इमीडिएटली उसे पॉटी पे बिठा देती हूँ. बिकॉज जैसे जैसे ग्रो होगा इसको पता लगेगा कि मुझे इस पे ही बैठ के करनी है तो ये खुद बैठ जाया करेगा. अभी ही फ्री जस्ट प्लेइंग. सो या सो हमने जैसे कि मैट्रेसेस चेंज किए हैं सो अभी ये हमारे पास एक्स्ट्रा करते हैं. वेयर गोना सेल इट ऑफ बट वी आर थिंकिंग कि सेल करने से पहले थोड़ा सा इसका यूज अच्छे से कर लिया जाए. सो व्हाट आई एम थिंकिंग बिकॉज एज विंटर्स आर अप्रोचिंग दे आर कमिंग आई एम जस्ट गोना ले दी मैट्रेसेस हियर. यहाँ पे बिछा दूंगी बिकॉज यहाँ पे हमारे लिविंग रूम में काफी जगह है खुली तो यहाँ पे बिछा दूंगी ताकि कभी खेल सके यहाँ पे और यहीं पे अपनी डे नैप्स ले. बिकॉज यू नो बेड पे थोड़ा सा रहता है और मोर ओवर मुझे थोड़ा काम करने में दिक्कत होती है बिकॉज अगर ये बेड पे अकेला वहाँ पे सो रहा होता है ना तो वहाँ से आवाज़ सुनती नहीं अगर ये जाग भी जाए. सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे जब मैट्रेसेस बिछ जाएंगी यहीं पे सो जाया करेगा अपनी नैप्स ले लिया करेगा एंड आई कैन जस्ट शूट एंड एडिट सिटिंग ओवर हियर सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी. सो तो आइए लेट्स डू द मैट्रेस थिंग एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. आई एम होपिंग इट वर्क्स इट विल वर्क गुड फॉर मी बिकॉज आई विल बी एबल टू वर्क मोर. सो बाकी देखते हैं हाउ इट वर्क्स. सो मैट्रेस बिछ चुकी है. नास बच गया है लिविंग रूम का. ये वही सेटअप हो गया जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब यहाँ पे हमारे पास हैंडमेड मैट्रेसेस लाइक जो गद्दे होते हैं घर के बने हुए वो वाले थे एंड अब ये प्रॉपर वाले गद्दे जो बेड पे बिछते हैं वो हैं. बट आई थिंक इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी प्रैक्टिकल अभी फिलहाल ताकि मैं काम भी कर सकूँ और कबीर को भी देख सकूँ एंड कबीर इज ऑलरेडी एंजॉयिंग दिस. सो कभी किसी ने आना होगा. वैसे तो कोरोना की वजह से कोविड की वजह से आना जाना काफ़ी कम है. सिर्फ घर के लोग ही आते हैं. अगर घर के लोगों के लिए तो लाइक जैसा भी हो लिविंग रूम में इट डजेंट मैटर. बट अगर किसी ने आना भी है तो उस टाइम ये उठा दिया करेंगे. अदरवाइज इट विल स्टे लाइक दिस एटलीस्ट टिल विंटर्स. या बट आई एम श्योर कि ये मुझे ये सेटअप मैं क्रिसमस पे उठाऊंगी बिकॉज आई वुड लाइक टू सेटअप अ क्रिसमस ट्री हियर. तो गद्दा एक बिछा लेंगे यहाँ साइड पे कहीं पे बट या बिकॉज और कोई जगह नहीं है क्रिसमस ट्री सेटअप करने की. है तो बहुत वो कोना भी है देखा जाए तो. विल सी वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू बट आई थिंक ही इज गोना एंजॉय हिज प्ले टाइम हियर मोर नाउ एंड आई कैन वर्क हियर. सोता भी रहेगा तो एटलीस्ट आई कैन शूट माई वीडियोज इन पीस. या
ऑलराइट गाइस, इट्स 1:40 और मैं 15-20 मिनट के लिए कबीर को लेके जा रही हूँ पार्क, बिकॉज आई रियली वांट टू सी यू, थोड़ा सा बाहर उसको एक्सपोजर मिले. एंड मैंने उसे रेडी कर दिया है एंड ही इज सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि उसको पता चल गया मैं रेडी हो गया हूँ. बट कहीं ना कहीं तो जाएंगे एटलीस्ट. सो फिलिंग हिज ज़िपर, पॉकेट सैनिटाइजर है मेरे पॉकेट में एंड फोन, दैट्स ऑल आई नीड. कबीर कहाँ है? वॉक पे है कबीर. कबीर कहाँ जा रहा है? पार्क जा रहा है कबीर. पार्क जा रहा है. कितनी सारी कार्स है, कितनी सारी कार्स है. हाँ चलो चलो चलो, लेट्स गो टू द पार्क. चलो चलो चलो. गाइज, सो आई एम बैक एंड मैंने लंच कर लिया है. इट्स 2:40 नाउ और कबीर सो गया है, वो बहुत थक गया था इतना चल चल के. सो बस आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माई वीडियो, लाइक एडिटिंग माई हेलोवीन वाली मेकअप ट्यूटोरियल. जब तक आप ये ब्लॉग देखेंगे दैट विल बी अप. दैट्स माई एवटार लुक बेसिकली. या सो फटाफट से आई एम जस्ट गोना एडिट एंड फिर देखती हूँ, अगर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी. आई डोंट नो कि मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगी कि नहीं, बट आई एम फीलिंग काइंड ऑफ लाइक टायर्ड नाउ. व्हाट्स अप एवरीवन, सो मी एंड कबीर बोथ हैड अ रियली गुड नैप. हम दोनों सो गए थे, कबीर पहले सो गए थे, मैं थोड़ी लेट सोई थी अपना वीडियो का काम करके. एंड वीडियो इज़ ऑल डन. आई हैवन डन एनी वॉइस ओवर बिकॉज इट्स हैलोवीन, तो आई थॉट ओके लेट्स आई विल पुट इट लाइक दिस ओनली. अभी तक आपने देख ली होगी एंड अभी बट मुझे फिलहाल अपलोड करनी है, बट जब तक ये व्लॉग जाएगा अपलोड हो चुकी होगी. एनी वेज बज रहे हैं 6:30. आई एम जस्ट मेकिंग सम टी फॉर माई सेल्फ एंड कबीर को मैंने अभी कुछ खिला दिया है. उसने खाना प्रॉपर नहीं खाया था सोने से पहले,
बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड. सो उसकी जो रोटी थी वो मैंने अभी खिलाई है उसे, और रोटी मैंने दी है घी के साथ. आई कीप ऑन लाइक मैंशनिंग थिंग्स कि मैं क्या दे रही हूँ बीच बीच में, बिकॉज मुझे फिर याद आता है कि आप लोग पूछते रहते हैं कि क्या खाता है क्या खाता है. सो मैंने कहा ओके दैट्स चाय इज ऑलमोस्ट रेडी, आई एम जस्ट गोना एंजॉय चाय. मैं बस चाय पी रही हूँ एंड कबीर को मैंने बिजी किया है उसकी बुक में. तो ही काइंड ऑफ सेज एप्पल बीच बीच में बोल देता है, बट प्रॉपरली अभी और वर्ड्स उसने नहीं सीखे हैं, लाइक सेंटेंसेस तो अभी बिल्कुल नहीं, अपनी ब्लैबर जरूर करता है. बट येस्टरडे ही सेड पापा फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम, एंड टू दो तीन बार ही बोला, एंड उसके बाद अलेक्सा 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 शुरू हो गया. सो या बट ही फाइनली सेड पापा मम्मा ये बोलता है ऑलरेडी, ये अलेक्सा तो बोलता ही है. एंड ही ऑल्सो सेज एप्पल, ही ऑल्सो सेज छोड़ दो, उठो, हटो, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलता है ना कभी. ही ऑल्सो सेज स्टार्स, या ही ऑल्सो सेज स्टार्स. अच्छा स्टार्स का है, स्टार्स का है कभी, स्टार्स का है, स्टार्स ऊपर, स्टार ऊपर है.